तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा हूँ। पीएल दाखिल करने वाली बात है, कुछ स्कूल ऑफलाइन एग्जाम लेने के नोटिस भेज चुके हैं बच्चों को, डेट शीट भी आ चुकी है, मुझे सब पता है। पढ़ाई करते रहो, मेरा नारा है आपके लिए, पढ़ाई भी ट्वीट भी, पढ़ाई भी ट्वीट भी, आपको पता है। हमें लड़ना है, हमें मेहनत करनी है, हमें आगे बढ़ना है। हम पढ़ाई से बचने वाले लोग नहीं हैं, हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हम इस बार ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अनुराग टेक क्लासेस। दोस्तों ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, एक मिनट सीट बेल्ट, फिर भूल जाता हूँ मैं। नाइन्थ और इलेवेंथ के बच्चों का मुद्दा चल रहा है। मैंने कल एक वीडियो डाली थी जिसमें एक पेरेंट्स से हमने बात करी थी, उसके अलावा मैंने बहुत सारे पेरेंट्स से बात करी है। आप ये मत सोचना कि एक ही पेरेंट्स से बात करी, उसमें काफ़ी पेरेंट हमारे सपोर्ट में भी थे, करीब 25%, और 75% पेरेंट्स हमारे सपोर्ट में नहीं थे। तो कुछ पेरेंट्स ने कहा कि हम नहीं चाहते कि हमारी वीडियो आप डालें। ज़्यादातर पेरेंट्स कोई तैयार नहीं था, वो पेरेंट तैयार हुए थे जिनसे हमने वीडियो डाली थी, क्योंकि किसी की भी परमिशन के बिना हम उसकी वीडियो नहीं डाल सकते हैं, ये आपको पता होगा। तो दोस्तों अब कहानी ये है कि हो क्या रहा है हमारे देश में, किस तरह की सिचुएशन है, क्या हम कर सकते हैं, वो सब मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहली बात, 9th और 11th के एग्ज़ाम को जब हम CBSE को लेटर लिखते हैं कि सर एग्ज़ाम ऑनलाइन करवाइए, बच्चों को परेशानी है, तो CBSE डायरेक्ट एक रिप्लाई करती है, ऑटोमेटिक रिप्लाई। और अच्छी बात है कि CBSE एटलीस्ट रिप्लाई तो करती है। CBSE वाले कहते हैं कि ये स्कूल का मामला है और 9th और 11th के एग्ज़ाम हम कंडक्ट नहीं करते, CBSE करती है और स्कूल करते हैं, तो आप उनको जाकर रिक्वेस्ट करिए। और आपको बताए स्कूल हमारी बात क्यों मानेंगे भला, क्योंकि स्कूलों को स्कूल खोलने में और एग्ज़ाम ऑफलाइन लेने में बहुत फ़ायदा है। उसका रीज़न मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, उसका रीज़न ये है कि जब स्कूल ऑफलाइन खुलेगा तो स्कूल को पैसे मिलेंगे, फ़ीस ले सकते हैं, उनके पास एक मॉरल अधिकार हो जाएगा फ़ीस कहने का, क्योंकि जब बच्चा स्कूल जाएगा तो पेरेंट भी स्कूल जाएंगे, PTM भी होगी, इंटरेक्शन होगा, और स्कूल कहेंगे देखो जी हमने तो आपके बच्चों को एक दो महीने पढ़ा लिया है और अब आप फ़ीस दे दीजिए और एग्ज़ाम ऑफलाइन लेंगे हम। और पेरेंट्स से हमने बात करी तो ज़्यादातर पेरेंट्स शायद मतलब फेडअप हो चुके हैं कि उनका बच्चा 7-8-10 महीने से घर पर है, तो उनको लग रहा है कि बच्चा बस निकल जाए बाहर, क्योंकि आपको पता है सब कुछ तो खुल गया है। लेकिन कोरोना का खतरा बना हुआ है लगातार, कोरोना का खतरा बिल्कुल गया नहीं कहीं भी। जहाँ भी स्कूल खुले हैं, चाहे बिहार, उड़ीसा, पंजाब, बंगाल, उत्तर प्रदेश, वहाँ पर कोरोना के केस मिल रहे हैं। वैक्सीन की जहाँ तक बात है, कुछ लोग कहते हैं वैक्सीन लग जाएगी, तो भाई वैक्सीन अभी उन लोगों को लग रही है जो बुज़ुर्ग लोग हैं या हेल्थ वर्कर्स हैं हमारे, और बच्चों को जो स्कूल के बच्चे हैं 9th के 11th के, वो 18 साल से छोटे हैं, तो उनको तो भाई लगने का चांस ही नहीं है, उनको तो कभी लास्ट में लगेगी, क्योंकि उनको लीस्ट रिस्क में माना जाता है दोस्तों। तो ये बात यहाँ पर सामने आ रही है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अरे पढ़ने वालों ये ध्यान रखिए कि CBSE के स्कूल बहुत ज़्यादा तेज़ी कर रहे हैं कि वो एग्ज़ाम ले लें आपके, क्योंकि उनको पता है कि वो गलत कर रहे हैं। और स्कूल की फ़ीस लेने को मैं गलत नहीं मानता, स्कूल को फ़ीस लेनी चाहिए, लेकिन ट्यूशन फ़ीस वो भी तब जब उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाया हो ढंग में। सरकार को जो रिपोर्ट भेजी है स्कूल वालों ने, वो ये भेजी है कि हमने बहुत मेहनत से पढ़ाया है, हमने कोर्स पूरा कर दिया है। सारे स्कूलों की रिपोर्ट, मैंने CBSE से बात करी, UP बोर्ड से बात करी, और भी बोर्ड से टीचर्स से मैंने बात करी, तो कह रहे हैं कि हमने जो रिपोर्ट भेजी है स्कूलों ने, वो ये भेजी है कि पूरा अच्छी तरह उनका तैयारी हो चुकी है, बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करवाई गई। जबकि सच्चाई कुछ और ही है, हकीकत ये है कि स्कूलों ने क्लास तो ली है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो स्कूल के टीचर पिछले 20-25 साल से ऑफलाइन क्लासरूम में पढ़ाने के लिए अभ्यस्त थे, उनको प्रैक्टिस तो वही थी। अब अचानक आप किसी को जो तीर कमान चलाता है उसको आपको बंदूक चला दो तो नहीं चला पाएगा, या उल्टा भी, बंदूक चलाने वाले से तीर कमान नहीं चलेगी। 5 पांडव थे, 5 भाई थे, सब अलग अलग हथियारों में पारंगत थे। अर्जुन धनुष बाण अच्छा चलाता था, गदा नहीं चलाता था। भीम गदा चलाता था लेकिन धनुष बाण में मार खा जाता था। दुर्योधन गदा में बहुत स्ट्रांग था लेकिन धनुष बाण नहीं चला पाता था, इसलिए अर्जुन के सामने हार जाता था। सबका अपना अपना फंडा होता है। जो टीचर हमारे स्कूल के हैं, रेस्पेक्टेड टीचर्स, मैं भी उनमें से एक हूँ भाई, वो ऑफलाइन क्लास के लिए अभ्यस्त थे, उनको कोई ऑनलाइन की प्रैक्टिस नहीं थी चलाने की, पढ़ाने की, तो उन्होंने बस किसी तरह से ये इनके इन प्रकरण ने काम पूरा किया, क्योंकि स्कूलों के टीचर को डर था कि अगर वो ऑनलाइन क्लास नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं उनका जो है भाई उनको सैलरी नहीं देगा स्कूल, क्योंकि स्कूलों ने काफ़ी ज़्यादा उनको परेशान किया है। तो ये सारी बातें हैं कि भाई क्लास तो देखो प्रॉपर नहीं हुई, आपको पता है। तो अब हम ये डिमांड कर रहे हैं, और आपने मेरे ट्वीट भी देखे होंगे, कि एग्ज़ाम 9th और 11th का तो लेने की ज़रूरत ही नहीं है। 9th और 11th के तो आप जनरल कोई उनको क्विज दे दो, मेंटी क्विज ले लो उनका, या फिर आप उन्हें एक प्रोजेक्ट दे दो बनाने के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट दे दो, प्रोजेक्ट से बच्चे की इंटेलिजेंसी का पता चल जाता है। रिटर्न एग्ज़ाम का तो मोड पूरे सारे देशों में है भी नहीं, प्राचीन काल में तो रिटर्न एग्ज़ाम होते ही नहीं थे, हम तो भारत देश के वासी हैं, गुरुकुल परंपरा, यहाँ तो कभी रिटर्न एग्ज़ाम हुए ही नहीं, यहाँ तो ओरल टेस्ट होते थे या फिर कोई प्रोजेक्ट दिया जाता था उनको, चिड़िया की आँख भेदनी अर्जुन को, उससे उनको पूरे ब्रह्मास्त्र मिल जाते थे। तो भाई हम उस देश के वासी हैं जहाँ पर गुरुकुल
परंपरा रही है, तो ऐसे देश में जहाँ पर गुरुकुल परंपरा रही हो वहाँ पर क्या जरूरत है यार? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप क्यों एग्जाम लेना चाहते हो बच्चों के इतने खतरे में पैंडेमिक में? और दूसरी बात एक और भी है, चलो मान लेते हैं पैंडेमिक नहीं होगा, यंग बच्चे हैं मान लेते हैं, चलो भाई उनको तैयारी तो आपने करवाई है ऑनलाइन के हिसाब से पूरे साल, उनको तो वही सिस्टम पता है ऑनलाइन का। अब आप उनको अगर पर्चा पेपर कलम देकर एग्जाम लोगे तो उनको तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरी बात एक और भी है, सारे स्कूल एक गड़बड़ी और कर रहे हैं, जो मैं अगर स्कूल वाले मेरी वीडियो को देख रहे हो, मैं स्कूलों के खिलाफ नहीं हूँ, पहले आपको बताऊँ, तो मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ सारे स्कूल्स की, टीचर्स की, प्रिंसिपल्स की, क्योंकि वो लोग हमारे गुरु हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्री बोर्ड भी पोस्टपोन हो गए हैं, बोर्ड तो बिल्कुल ही पोस्टपोन हो गए हैं, तो आप लोग 9th और 11th के एग्ज़ाम इतनी जल्दी लेने की क्यों जल्दी कर रहे हो? क्योंकि आपको पता है अगर कोई पेरेंट, कोई सिरफरा मेरे जैसा पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, वो तो जरा पेरेंट्स साथ नहीं दे रहे हैं PIL के लिए, नहीं तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट चला जाता अब तक भाई साहब, तो उनको पता है कि अगर कोई पहुंच गया तो हमारा क्या होगा फिर, इसलिए वो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं और वो फटाफट एग्ज़ाम लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी एग्ज़ाम लो, फीस लो और अपना नया सेशन शुरू कर दो। ये बात सबको पता है और ये बात सब जानते हैं। तो दोस्तों 9th वाले बच्चे कहेंगे सर क्या स्थिति है PIL में दाखिल नहीं कर सकता, मैंने बहुत कोशिश कर ली, मेरी PIL को रिजेक्ट कर दिया गया है। मैं शक्ति पांडे जी से मिला, तन्वी दुबे जी से मिला, उनका सर अनुराग सर आपकी PIL की कोई कीमत नहीं होगी क्योंकि आप स्टेक होल्डर ही नहीं हो, ना तो आप बच्चे हो ना पेरेंट हो, कुछ नहीं हो आप। जब तक जितने बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भैया हमारे पेरेंट रेडी हैं आपका साथ देने के लिए, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि सारे बच्चे अपने पेरेंट को कहो कि वो भाई जाएँ सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल करें, बहुत सस्ती होती है, कोई खर्चा नहीं होता, 500 रुपया खर्चा होता है PIL देने में, जनहित याचिका होती है PIL का मतलब, तो जनहित याचिका में कोर्ट ज़्यादा पैसे नहीं लेता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी पेरेंट्स हमारा साथ देना चाहते हैं, जो चाहते हैं उनके बच्चों को बचाया जाए कोरोना के इन्फेक्शन से, और एक बच्चा अगर कोरोना इन्फेक्टेड होता है भगवान ना करे और वो घर जाएगा अपने, तो उसको भी कोरोना होने का डर रहेगा, ये भी आप बात सुन लीजिए। तो जो पेरेंट हमारा साथ देना चाहते हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो जाएँ स्कूलों में, उनसे बात करें पहले, तो पहला स्टेप स्कूलों को लेटर दें और वो लेटर की कॉपी अपने पास रखें, साइन करवाएं प्रिंसिपल के, अगर प्रिंसिपल कहते हैं कि हम ऑफलाइन ही एग्जाम लेंगे तो उनको स्टैंप लगवा के साइन कर लें, एटलीस्ट साइन करवा लें, स्टैंप तो नहीं लगाएंगे, वो सारे लेटर सुप्रीम कोर्ट में जमा करने पड़ेंगे, हमारे काम आएंगे। जब आप PIL दाखिल कर दो तो मुझे बता देना, मैं वहाँ चला जाऊँगा एकदम तुरंत, मैं साथ रहूँगा आप लोगों के। अगर आंदोलन करना पड़ा इसलिए तो आंदोलन भी करेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, हमारा अधिकार है लोकतांत्रिक, अहिंसात्मक, कोई हिंसा नहीं, कोई किसी के खिलाफ बदतमीजी नहीं, सिर्फ हिंसा को छोड़कर अहिंसा के साथ हम एक आंदोलन भी कर सकते हैं अगर हमारी बात नहीं मानी जाती तो। अगर कोई पेरेंट ऐसा हो मेरी वीडियो को देख रहा हो, हवाई बातें नहीं चलेंगी, हवाई वीडियोस, हवाई बातें, अब ये हो गया, आई बड़ी खुशखबरी, इस तरह की वीडियोस से बचें। कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो दिन में 5 वीडियो बनाते हैं, क्योंकि एक बड़ा एक ऑनलाइन वो है प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन कोचिंग देते हैं, ऐप वाला, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उनको उनका ऐड करना होता है, उन ऐड की वीडियो उसमें डालते हैं, उनका फ्रेम डालते हैं या उनका कोई लिंक डाल देते हैं या उनका एक पोस्टर दिखा देते हैं, उनको वहाँ से पैसे मिले हुए हैं कि आप 5 वीडियो बनाओ, हर वीडियो के आपको इतने पैसे देंगे, तो वो उल जुलूल वीडियो पूरे दिन बनाते रहते हैं, उनको और काम नहीं है। आई बड़ी खुशखबरी, कभी मोदी जी का फोटो लगा दिया, कभी किसी न्यूज़ बड़े न्यूज़ हाउस का लगा दिया एंकर का फोटो, तो आप उनसे बचें, धरातल पे काम करें। मैं एक टीचर हूँ, मैं कोई न्यूज़ वाला नहीं हूँ, मैं आपको बता दूँ, मैं अपना सारा काम छोड़ के आपके साथ दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन हो, हम ऑनलाइन एग्ज़ाम चाहते हैं, और इसके लिए हमें PIL दाखिल करनी पड़ेगी। तो जो पेरेंट PIL दाखिल कर ले वो मुझे बच्चा बता दे WhatsApp पर, मेरी टीम रिप्लाई करती है, मैं रिप्लाई नहीं करता, तो अगर बच्चों को रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो बुरा ना माने कि सर आप हमारा रिप्लाई नहीं कर रहे हो, ऐसे मैसेज आते हैं सर आप इग्नोर कर रहे हो, फिर वो ब्लॉक कर देते हैं, फिर गुस्सा करते हो। दोस्तों एक दिन में 2000-3000 मैसेज आते हैं WhatsApp पर, मेरे अलावा शायद कोई यूट्यूबर WhatsApp पे रिप्लाई भी नहीं करता, हम किसी सुनता भी नहीं किसी की, या तो सब अपना ईमेल आईडी देते हैं या टेलीग्राम ग्रुप बनाते हैं। आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम पर अनुराग देव क्लासेस एक चैनल है मेरा, उसको आप सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पर मैं खुद देखता हूँ पूरा, या फिर आप यूट्यूब पर कमेंट किया करो, वहाँ पर मैं खुद रिप्लाई करता हूँ। WhatsApp पर मेरी टीम देखती है, वो पूरी कोशिश करते हैं, 2 लोग लगे रहते हैं पूरे दिन, एक टीम का मेंबर मेरठ में है वो आ नहीं पा रहा है अभी ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, वहीं से रिप्लाई करता है, दूसरा मेंबर हमारे साथ रहती है मैम वो रिप्लाई करते हैं, लेकिन सारे भाई रिप्लाई नहीं कर सकते हम, सारे मैसेज का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। जो कोई सीरियस बात हो ऑडियो भेजो अपनी, नाम क्लास, बिना नाम क्लास सिटी के हम कोई मैसेज रिप्लाई नहीं करते आपका, आप अपना मैसेज लिखो लेकिन पहले अपना नाम क्लास सिटी लिखो, कौन सी क्लास में हो आप, और अपना अगर कोई सीरियस बात हो आपको मुझसे बात करनी हो तो ऑडियो भेजो, क्या प्रॉब्लम है आपकी, अगर आपकी प्रॉब्लम हमें सीरियस लगी तो मैं खुद कॉल करूंगा आपको, तुम्हारे साथ हूं हमेशा हूं। PIL दाखिल करने वाली बात है, कुछ स्कूल ऑफलाइन एग्जाम लेने के नोटिस भेज चुके हैं बच्चों को, डेट शीट भी आ चुकी है, मुझे सब पता है, पढ़ाई करते रहो, मेरा नारा है आपके लिए, पढ़ाई भी ट्वीट भी, आपको पता है हमें लड़ना है, हमें मेहनत करनी है, हमें आगे बढ़ना है,
हम पढ़ाई से बचने वाले लोग नहीं हैं, हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हम इस बार ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हैं। अरे सीबीएसई वालों, ये 9th और 11th के बच्चे तो 10th और 12th में बोर्ड भी देंगे, आप इनके बाद में ले लेना। अभी क्या आफत आ रही है? अभी आफत आ रही है बिकॉज आप बच्चों को स्कूल बुलाना चाहते हो, सारे स्कूल, और आप उनसे फीस लेना चाहते हो। आपको एक नैतिक आधार चाहिए फीस लेने का, मोरल बेस नहीं है आपके पास। पूरे साल बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई है लेकिन सारे स्कूलों ने सीबीएसई को भेज दिया है कि हमने कोर्स पूरा कर दिया है और हमने बहुत अच्छी तरह पढ़ाया है। बस दोस्तों यही कहना था, मैं थोड़ा कई बार इमोशनल होकर या गुस्से में इधर उधर चला जाता हूँ, माफ़ करिएगा। और भाई मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा ज़्यादा ट्वीट करिए, लेकिन ट्वीट भी पढ़ाई भी। मैंने कभी ये नहीं कहा पढ़ाई मत करिए, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई काम आती है। ऑनलाइन हुए तब भी कई बच्चों के एग्ज़ाम ऑनलाइन हो चुके हैं, मेरे पास ऐसे 100 से ऊपर मैसेज आ चुके हैं जिनके एग्ज़ाम ऑनलाइन हो चुके हैं, उनके लिए बधाई। जो स्कूल हमारी बात मानकर ऑनलाइन एग्ज़ाम ले रहे हैं उनको मैं हाथ जोड़कर उनका वो करता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और दोस्तों आप बिल्कुल डटे रहिए, हिम्मत करिए, जब आपका फ्री टाइम हो आप मेरे ट्वीट को रीट्वीट कर दिया करो। सारे बच्चे द अनुराग त्यागी ट्वीट हैंडल को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर ट्वीट करिए, हिम्मत मत हारिए। एक बात ध्यान रखिए, स्कूलों को पता है कि हम आंदोलन कर रहे हैं। और एक बात और, अगर आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन भी हो रहा है या होगा, तब भी मैं आपको एक बात बता दूं, इस बार बच्चों को फेल करने की हिम्मत नहीं करेंगे स्कूल, क्योंकि अगर बच्चों को फेल किया तो हंगामा होगा और उनको पता है उन्होंने कुछ पढ़ाया नहीं पूरे साल, तो इस बार पेपर भी इजी बनेंगे आपके 9th और 11th के। मैंने कई स्कूल के टीचरों से बात करी है जो 9th 11th के पेपर बना रहे हैं, वो कह रहे हैं अनुराग इस बार पेपर बहुत इजी बन रहे हैं और ये आदेश है कि बच्चों को पास किया जाए। स्कूल केवल ऑफलाइन एग्जाम इसलिए ले रहा है क्योंकि उसको फीस लेनी है आपसे, वो स्कूल बुलाना चाहता है आपको किसी भी तरीके से, येन केन पर्ण क्रेन सम दंड सम भेद क्या होता है वो, उसके हिसाब से आपसे वो फीस लेना चाहते हैं। उनका उद्देश्य ये है, उनका उद्देश्य सिंपल। और भाई देखो, स्कूल को भी अपने खर्चे चलाने पड़ते हैं, सैलरी भी दे रहे हैं स्कूल लगातार। ज़्यादातर स्कूल 99% ने अपने स्टाफ को निकाला नहीं है, कुछ स्कूलों ने 95% 5% निकाल दिया है, और सैलरी भी दे रहे हैं, हाफ तो दे ही रहे हैं, कुछ स्कूल हाफ से भी कम दे रहे हैं लेकिन दे रहे हैं, चलो ये अच्छी बात है। तो भाई हम सबका सम्मान करते हैं, हमारी लड़ाई स्कूल से नहीं, हमारी लड़ाई अपने अधिकारों के लिए। तो ट्वीट करिए जय हिंद, कल 26 जनवरी है, कल मैं लाइव आऊँगा शायद। आई लव यू ऑल, पढ़ाई करते रहना, डरना मत, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। आई लव